जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको कढ़ी बनाना सिखाऊंगी अपने तरीके से। ये तो मैं पहले से घोल के रेडी करके रखी हूँ, और मेरे पास ये मेजरमेंट के लिए आपको बता रही हूँ, जो नैनी ये स्पून है, ये चम्मच है। इससे 3 आदमी के लिए, मैं 4 आदमी के लिए आपको कढ़ी बड़ी बन जाएगा। जो ज़्यादा बड़ी खाते हैं वो 4 चम्मच देंगे, जो कम खाते हैं वो 2 चम्मच भी देंगे। तो मैं इससे आपको दिखाना, पहले ऐसे इतना भर के ऐसे करके 4 चम्मच मैं इसमें बेसन ली हूँ, और सिर्फ पानी से इसको घोल के अभी रख दी हूँ। इसको आप कढ़ी बनाने से, बड़ी बनाने से पहले इसको जो है 1 से 2 घंटे इसको रेस्ट में छोड़ देना। इसको मिला के ऐसे इस तरह से, जैसे मैं छोड़ दी हूँ अभी, ये 1 घंटे इसको छोड़ूंगी मैं, फिर कढ़ी बनाऊंगी, बड़ी बनाऊंगी, तो वो आपको आगे मैं दिखाऊंगी। ये कढ़ी का बैटर मैं बना रखी थी, 1 घंटे इसको रेस्ट के लिए रखी, ये रेस्ट हो गया। अब इसमें मैं ये इंग्रेडिएंट ये सब कट करके रखी हूँ। ये प्याज है, हरा धनिया है, ये थोड़ा सा करी लीव्स, करी पत्ता है, और हरी मिर्ची है, ये इसमें मैं ये मिला लेंगे। इसमें मिर्ची थोड़ा ही डालेंगे, 1 डालेंगे टेस्ट के लिए, सिंपल थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाने से फिर बड़े का मज़ा ख़राब हो जाता है। अभी इसमें जो है ये टीस्पून छोटा सा, इसका 1/4 लेना है, इतना सा अजवाइन लेना है, और उतना ही ये मंगरेल है, वो इतना ही ये भी लेना है। अब इसमें मैं नमक अपने स्वाद के अनुसार, जितना हो ये इतना नमक इसमें वो डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून, मैं बोली जैसे जवाइन और मंगरेल डाले हो वैसे ही ये उतना ही हल्दी डालना है, उतना थोड़ा सा। ठीक है, इसको मिक्स करते हैं, फिर बड़ी बनाते हैं, खाती हूँ आपको मैं। इसका बड़ी बना के कैसे रखना है, बिल्कुल सॉफ्ट और सुंदर बनेगा। इसमें थोड़ा सा मैं हल्का सा हींग डाल रही हूँ, जो कि पहले मैं नहीं डाली थी, अभी बड़ा बनाऊंगी उससे पहले इसको थोड़ा सा इसको मिक्स भी कर लो अच्छे से। ये देखिए, और इधर मैं पानी रखी हूँ, इस पानी में क्या करूँगी वो आपको मैं बताती हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा ये करना, ये तेल मेरा गर्म है पहले से, छोटा छोटा आप चाहो तो इससे भी छोटा बना सकते हो या बड़ा भी बना सकते हो, जैसी अपनी मर्जी हो वैसा बनाओ, ये तो अपने इच्छा के अनुसार है। मैं मीडियम साइज बना रही हूँ, ना ज़्यादा छोटा और ना ज़्यादा बड़ा, और बिल्कुल ही कम मसाले, बिल्कुल इसमें मसाला, एक तो मसाला वाला भी करी है वो मैं बाद में आपको बताऊँगी, पहले ये बगैर मसाले वाले सिंपल ईजी आप बना सकते हो। जो पुराना खाना बनाते हैं उनको तो पता है कि कैसे क्या करना है, जो नए नए अभी खाना बनाना सीख रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं। ऐसे एक बड़े को ऐसे पलट के देख लेना, हल्का सा वो सिका हुआ दिख जाए, फिर सबको जो है धीरे धीरे पलट देना है इसको आराम से। ये देखिए, इसको ज़्यादा बार बार नहीं करना है, 1 से 2 बार इसको पलटना है, सबको पलट देना है, एक भी कोई भी ऐसे थोड़ा देर इसको भी सेकूंगी, फिर इसको भी वैसे जैसे पहले बताई मैं कि पलट के इसको देख लेना है, अगर ये ऐसा पिंक हो जाए तो फिर समझ लेना है कि आपका बड़ा तैयार हो गया। अभी देखो ये दोस्त, मैं घुमा रही हूँ इसको, हर तरफ से सारे पिंक पिंक हो रखे हैं, अब समझ लो ये रेडी हो गए। इसको चाहो तो आप ऐसे भी खा सकते हो, चाय के साथ, स्नैक्स के साथ ऐसे भी खाओगे तो टेस्टी ही लगेगा, जैसे मर्जी हो वैसे खाओ। वैसे मैं ये कढ़ी में डालूंगी, ये पानी जो मैं रखी थी मैं बताई, अब इसमें इस बड़े को छोड़ देना है, इससे क्या हो जाएगा ये स्पंजी होगा और सॉफ्ट होगा, जो भी आपका एक्स्ट्रा ऑयल लिया वो सारा इसमें निकल जाएगा। ये बड़ी बनाई थी उसका बाउल है, इसको फेंकना नहीं है, इसका भी यूज़ कर लेना है। अब इसमें मैं ये गेहूं का आटा है वो मैं 1 स्पून डाल रही हूँ, 1 से ये 1/2 स्पून और डेढ़, इससे मैं कढ़ी बनाना बताऊँगी, और इतना टेस्टी करी बनेगा दोस्तों, फिर खाओगे तो बोलोगे कि हाँ बहुत अच्छा है। अब इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून जो है ये हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, नमक स्वाद के अनुसार मैं अभी इसमें डाल रही हूँ, जितना करी का बैटर होता है उसके ये अंदाजतन देना है।
दीदी मैं एक एक दी हूँ जो भी जैसे हो। अब इसमें जो मैं बड़ा बना रही थी उस समय का ये था, इसको भी नहीं फेंकना है, इसको इसमें इसको ऐसे मिला के इसका मैं बैटर तैयार करूँगी। और ये बड़ा का पानी है जो जिसमें बड़ा मैं डाली हूँ, इसके पानी को भी मैं इस बैटर में ही यूज़ करूँगी इसको। अभी अब मैं दोस्तों अभी मैं कढ़ी बनाने की प्रिपरेशन शुरू करती हूँ। इसमें अभी डालना है 1 टीस्पून, छोटा चम्मच है टेबल से, इसमें ये पचफोरन होता है जिसमें मैं खुद बना के रखी हूँ, उसमें मेथी, सरसों, अजवाइन, सौंफ और जीरा ये सारा मिक्स होता है। और थोड़ा सा इसमें मुझे सरसों अलग से थोड़ा डालना है और थोड़ा अजवाइन, थोड़ा ये 1/2 टीस्पून है वो डालना है, थोड़ा ज़्यादा इसमें डालना है, कढ़ी के लिए ज़रूरी होता है। अभी इसमें 2 लाल मिर्च है वो डाल देती हूँ, इसका डंठल नहीं निकालना, डंठल के साथ देना है। और ये तेजपात है वो डाल देते हैं, थोड़ा सा कड़ी पत्ता है वो डाल रही हूँ। और ये मेरा कड़ी है इसलिए थोड़ा हटके है, तो इसमें थोड़ा सा मैं ये प्याज कट करके रखती हूँ वो भी डाल देंगे। बस इसको थोड़ा सा हल्का सा भून देना है, थोड़ा गुलाबी होगा फिर मैं इसे थोड़ा आराम से इसको। ये प्याज मेरा भुज गया है और ये बैटर जो बना के रखी थी और ये गर्म पानी का जो था जो मैं बताई थी क्या करना, उसको भी बड़ी निकाल के फिर इसको इस पानी को मैं इसमें यूज कर लेती हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नमक पहले डाल चुकी हूँ, हल्दी पहले डाल चुकी हूँ। अभी थोड़ा सा इसमें जो है, अभी इसमें थोड़ा सा मैं ये हींग डालूँ, 2 चुटकी डाल दो, 1 चुटकी नहीं 2 चुटकी डालना है। अब ये हो गया, अब ये बैटर जो बनाई हूँ मैं ये, इसको मैं इसमें धीरे धीरे चलाते हुए, एक बार में नहीं धीरे धीरे चलाते हुए डालते जाना है। अभी इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, फ्लेम हाई रखना है और इसको चलाते रहना है, क्योंकि अगर नहीं चलाओगे तो इसमें वो गांठ गांठ सा हो जाएगा जो कि कड़ी का मज़ा ही खराब कर देगा। इसको चलाते रहना है। ये इसमें ऐसे उबाल आ गया है, इसको उबाल आ गया है, 2, 3, 5, 4, 5 उबाल है, इसको 2 मिनट तक आप ऐसे पकाते रहो। और फिर इधर मैं दही का बैटर तैयार करके रखती हूँ, इसको सिम कर दो। अभी सिम की हूँ, ये मैं इसमें दही डालना, सौ ग्राम दही आप डाल देना और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये रेडी करके रखते हैं, इसको अभी नहीं डालना है, अभी वो उसको कढ़ी का बैटर जब उफाना आ जाए उसके बाद फिर उसको 2 मिनट तक और पकाना है, सिम आंच पे या फास्ट या सिम आंच करके उसको 2 मिनट तक पकाते रहना है। इसको मैं रेडी करके रख ली हूँ, अभी ये तैयार होगा फिर उसके बाद बताऊँगी कैसे डालना है। दोस्तों ऐसा उबाल आना चाहिए, इससे भी ऊपर भी आएगा उबाल, इसको चलाते रहना, गिरना नहीं चाहिए। ये इधर तो इधर देखो, इधर ये उबाल आ गया है, इसमें ये तो हो रहा है, इसको पकने देते हैं। ये दही का जो मैं ये करके रखी थी इसमें, तो एक कटोरी जो है ये मीडियम साइज कटोरी है, ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा है, इससे 2 कटोरी इसमें जो है मैं पानी मिला दूंगी इसमें। अगर आपके पास छाछ हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर पानी मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर छाछ ना हो, दही से बनाना है तो फिर इसमें पानी मिक्स कर देना। दोस्तों इस घोल को आप 5 मिनट तक पकाना, एक उबाल आने के बाद उसको 5 मिनट तक उबालना है, सिम आंच करके और रुक रुक के थोड़ा इसको चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ोगे तो फिर नीचे से जल जाएगा और अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए इसको रुक रुक के जो है आपको चलाते रहना है। और 5 मिनट जब पक जाए फिर उसके बाद इसमें जो है ये दही का घोल जो मैं तैयार की हूँ ये डाल दूंगी इसमें, तो चलाते हुए, रुकना नहीं है, चलाते हुए डालना है, नहीं तो ये हो गया मेरा। अभी फ्लेम को मैं हाई कर दे रही हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के इसको धो के इसमें मैं इसको भी डाल दे रही हूँ।
ये हो गया आपका। जब इसमें उबाल आ जाए तो फिर उसके बाद इसमें हम बड़ी डालेंगे। अभी आप ताव को, आंच को, फ्लेम को जो है हाई ही रखेंगे, कम नहीं करेंगे। ये देखो दोस्तों, अभी इसमें उबाल आ गया है ऊपर। दही डालने के बाद ये इसको ऐसे चला लेना है, एक मिनट इसको, हाफ मिनट इसको पका लो ऐसे। दही को ज़्यादा नहीं पकाना है, दही को ज़्यादा पकाएंगे तो फिर उसका जो है टेस्ट थोड़ा खराब हो जाएगा। दोस्तों ये आ गया, उबाल आ गया इसमें, हाफ मिनट इसको मैं पका ली हूँ, उबाल आ गया। अब इसमें जो बड़ी मैं पानी में डाल के रखी थी उसको मैं अब इसमें डाल रही हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे। इतना सॉफ्ट हो गया है कि ये टूट रहा है, तो बस इसको कुछ भी नहीं करना है। खाने का सोडा भी आपको नहीं डालना है दोस्तों इसमें, कोई भी नहीं जो कि आपके शरीर को हार्म करे। इससे इतना आपका टेस्टी और खूब स्पंजी बनेगा बड़ा, आप खाओगे तो फिर खाते रहोगे। ये हो गया, इसको एक उबाल आने पे फिर गैस को मैं धनिया डाल के इसको बंद कर दूंगी। ये देखो दोस्तों, इसमें उबाल आ गया है। इसमें मैं थोड़ी देर इसको उबाल, थोड़े 3-4.5 मिनट इसको उबलने दी हूँ सिम आंच पे। अब इसमें धनिया डालती हूँ और गैस को ऑफ करती हूँ। ये आपका कढ़ी तैयार हो गया, ये देखिए।